बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बारिश के मौसम में सारे पौधे हरी हरी हो चुकी हैं और काफ़ी सारे फूल भी निकल चुके हैं। बारिश की पानी पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। देखिए यहाँ सारे पौधे बिल्कुल हरी हरी लग रही है, काफ़ी सुंदर खूबसूरत भी लग रही है। मेरे छत पे छोटा सा गार्डन है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर की खोया, जो बहुत ही आसानी से बनाने वाली रेसिपी है। वैसे तो लिक्विड दूध का ही खोया बनता है और काफ़ी समय लगता है, पर मैं आपको 5 मिनट में बनाने वाली रेसिपी में आपको बताऊंगी कि कैसे 5 मिनट में मिल्क पाउडर से खोया बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया और आधा कप मैंने लिक्विड दूध, जो मैंने पहले से उबाल कर ठंडा कर चुके हैं, और यहाँ मैंने 2-3 चम्मच घी ले लिया। आप घी के जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर का मैंने दूध ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पैन को बैठा चुकी हूँ गैस पे और बिल्कुल ही गैस को कम फ्लेम पर रखी हुई हूँ, मीडियम फ्लेम पर रखी हुई है। मैंने यहाँ सबसे पहले घी डाल दिया है और मैं यहाँ दूध को डालूँगी। आप दोस्तों पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखें यहाँ पर मैंने दूध को डाल दिया है और लगातार चलाते हुए मैं इसे 1-2 सेकंड के लिए मैं इसे पकाऊंगी 1 उबाल आने तक। वैसे आप ठंडा दूध में भी मिल्क पाउडर को डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ 1 उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। यहाँ देखिए उबल चुका है, उबाल आ चुकी है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और इसे मैं लगातार चलाते हुए मैं पकाऊँगी, अच्छी तरह से इसे पकाऊंगी, और इसमें जो गुठली है उसे अच्छी तरह से मैं इसे मसलते हुए मैं बनाऊंगी, पका लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिए हैं, और जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे सारे पैन से खोया आसानी से बर्तन से छोड़ देगा। यहाँ पे देखिए मेरा फाइनली खोया बनकर रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे और ना हार्ड हो जाएगी। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करूँगी। यहाँ मेरा खोया बनकर रेडी हो चुका है फाइनली। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बस 5 से 6 मिनट बनने में लगती है, यहाँ बनकर फाइनली रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप त्योहारों में खोया यूज कर सकते हैं मिठाई बनाने में और घर में आसानी से बना सकते हैं। टेस्टी और दानेदार खोया बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा खोया रेसिपी का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर प्लीज़, और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।